नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पहलवानों के प्रदर्शन में अब एक बड़ा यहां पर खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 37 दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे पहलवानों ने अब अपने मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष और किसानों के बीच हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता लगातार पहलवानों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित ना करें। यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। पहलवानों को समझाने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से की गई है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने ट्वीट पर लिखा है, ये मेडल्स देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश के सिर गर्व से ऊंचा किया है, देश के सर को आपने गर्व से ऊंचा किया है और आपने अपने खेल से हम सभी को गौरवान्वित महसूस करवाया है। हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो राष्ट्रपति देश के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 37 दिनों से जिन्होंने इन पहलवानों को लेकर के कुछ भी नहीं कहा, वो लगातार खामोश है, क्या उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि ये पहलवान अब इन मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक तो इन पहलवानों को ही दोषी बता रहे हैं, यहाँ तक कि ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पहलवान पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बेगुनाह बताते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार ये कौन से आजाद भारत की तस्वीर है जहां पर देश के खिलाड़ी आज अपने सम्मान के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और एक ऐसा इंसान जिसके खिलाफ इतने संगीन आरोपों में FIR दर्ज है, उसे लेकर पुलिस खामोश है, सरकार खामोश है, देश के प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति खामोश है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।